अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां दुष्कर्म हो रहे थे और शव लटक रहे थे। ये बीजेपी सांसद कंगना रनौत का वो बयान था जिसे लेकर बवाल खड़ा हुआ। किसान आंदोलन पर दिए कंगना के इस बयान के बाद विपक्ष ना सिर्फ उन पर बल्कि बीजेपी पर भी हमलावर हुआ। मामला बढ़ता देख बीजेपी ने भी कंगना को फटकार लगाई और उनके बयान पर आपत्ति जताई। बीजेपी की कड़ी फटकार के बाद अब कंगना रनौत ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। कंगना ने क्या कहा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ राजेश शर्मा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, मेरी वजह से जाने अनजाने में अगर पार्टी को कोई नुकसान होता है तो मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा। कंगना ने कहा, पार्टी की राजनीति में मैं छोटे लेवल पर हूँ, पार्टी नेतृत्व बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम छोटे लेवल पर सोच नहीं पाते हैं कि क्या होगा, अवश्य ही राष्ट्र रहना चाहिए। मैंने अगर किसी तरह से किसी को हर्ट किया है तो मुझे खेद है। मुझे जिस तरह से धमकियां दी जा रही है ये क्रिमिनल का काम है, मुझे नहीं लगता कि ये किसान है, ये लोग मुझे दबाना चाहते हैं। किसान आंदोलन पर दिए कंगना रनौत के बयान के बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया था और बीजेपी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। मामला बढ़ता देख बीजेपी ने बयान जारी कर कंगना के बयान पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने बयान जारी करते हुए कहा, किसानों के आंदोलन के संदर्भ में भाजपा सांसद कंगना रनौत की ओर से दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान पर अपनी असहमति व्यक्त करती है। भाजपा की ओर से कंगना रनौत को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बयान देने की ना तो अनुमति है और ना ही उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को भविष्य में इस तरह का कोई बयान न देने का निर्देश दिया गया है। वहीं कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म एमरजेंसी के प्रमोशन में जुटी है। ये फिल्म भी विवादों में घिर गई है। एमरजेंसी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है, इसके रिलीज पर पंजाब में रोक लगाई जाए। पहले अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रही और अब उनकी अपकमिंग फिल्म एमरजेंसी विवादों में घिर गई है। अब देखना ये होगा कि क्या उनके बयान का असर उनकी आने वाली फिल्म पर पड़ता है या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।